तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 1 kg या फिर 2 pound का ब्लूबेरी केक का रेसिपी जो मैंने एकदम बेकरी स्टाइल में बनाई है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी। तो स्पॉन्ज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 cup फ्लोर या फिर मैदा, और यहाँ पर मैंने 250 ml का कप यूज किया है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर भी पैकेट का होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है 1 teaspoon बेकिंग पाउडर, 1/2 teaspoon बेकिंग सोडा और थोड़ा सा नमक भी ऐड किया है ताकि जो मीठापन है वो बैलेंस हो जाए। और इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत ही अच्छे से छान लेना है ताकि इसमें कुछ भी लम्स ना रहे। अगर लम्स रहेगा ना तो केक अच्छे से बेक नहीं होगा और अच्छे से सॉफ्ट भी नहीं बनेगा। और एक स्पून के मदद से सब कुछ हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 eggs और eggs रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने ऐड किया है 1 cup से थोड़ा कम चीनी, और 1 hand beater लिया है, और लो टू मीडियम स्पीड में हमें बीट करना है। करीबन 4 से 5 मिनट बाद आप देखोगे कि ये जो एग है ये एकदम फोमी कंसिस्टेंसी पर आ गया है। और यहाँ पर आपको हाई स्पीड में बिल्कुल भी बीट नहीं करना है, अगर आप हाई स्पीड में बीट करोगे ना तो ये जो स्पॉन्ज है ये अच्छे से फूलेगा नहीं। और ये फोम क्रिएट करने में मुझे तो 4-5 मिनट लगा था, लेकिन ये हैंड बीटर के ऊपर डिपेंड करता है टाइम कितना लगेगा। और मैं फिलिप्स का हैंड बीटर यूज़ करती हूँ, ये मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद है। और ये बिल्कुल भी प्रमोशनल वाला वीडियो नहीं है, मैं जो यूज़ करती हूँ मुझे जो पसंद आता है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फोम एकदम अच्छे से क्रिएट हो गया है। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया स्काई जेल कलर, और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया ब्लूबेरी एसेंस 1 teaspoon। और यहाँ पर मैंने, मेरे पास पर्पल या फिर लैवेंडर कलर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने यहाँ पर स्काई कलर यूज़ किया है। अगर आपके पास पर्पल, लैवेंडर या फिर कोई भी स्काई कलर है तो आप यूज़ कर सकते हो। और उसी के साथ मैंने यहाँ पर ऐड किया है 1/4 cup ऑयल, और यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया है। और ऑयल ऐड करने के बाद एकदम लो स्पीड में आपको बीट करना है, करीबन 15-20 seconds, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर कलर ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो कलर ऐड कर सकते हो या फिर आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐड करती हूँ क्योंकि स्पॉन्ज का जो कलर है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। जब कस्टमर केक को कट करते हैं ना तो मतलब बहुत खुश हो जाते हैं कलर को देख के, तो इसीलिए मैं कलर ऐड करती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ले लिया है ड्राई इंग्रेडिएंट्स, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक ही साथ में नहीं ऐड करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है और एक व्हिस्क के मदद से बहुत ही हल्के हाथों में मिक्स करते जाना है। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड में मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने वीडियो को थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया 3 tablespoon मिल्क, और यहाँ पर मैंने रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया है, आप चाहो तो यहाँ पर पानी भी यूज़ कर सकते हो। और ये बैटर आपको बहुत ही स्मूथ बनाना है ताकि ये जो स्पॉन्ज है ये बहुत ही अच्छे से बेक हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बैटर है एकदम रेडी है स्पॉन्ज बनाने के लिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ऐड किया 1/2 cup ब्लूबेरी, और ये बेक करने के बाद पूरा का पूरा ब्लूबेरी एकदम नीचे बैठ गया था, मुझे पता नहीं था कि कुछ ऐसा होगा, नहीं तो मैं कभी भी ऐड नहीं करती। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया है केक मोल्ड, आप चाहो तो यहाँ पर हार्ट शेप का मोल्ड भी ले सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पर ब्लूबेरी को थोड़ा मैदे के साथ डस्ट ऑफ करके भी आप डाल सकते हो, तो नीचे बैठेगा बिल्कुल भी नहीं। और इसको बहुत ही अच्छे से आपको टैप कर लेना है ताकि एयर बबल्स ना रहे। और इस केक को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई को 10 मिनट पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था, और इस केक को मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में करीबन 40-50 minutes तक बेक किया है। तो 40-50 minutes बाद आप देखोगे ये जो केक है ये बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है। मैंने टूथपिक की मदद से अच्छे से चेक भी किया है, और इस केक को बहुत ही अच्छे से आपको ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही आपको डिमोल्ट और डेकोरेशन करना है। अगर आप गर्म गर्म केक को डिमोल्ट करने की कोशिश करोगे तो ये केक टूट भी सकता है। और अगर आप ये केक बनाना चाहते हो तो बटर पेपर जरूर यूज करना, तभी आपका केक बहुत ही अच्छे से डिमोल्ट होगा, नहीं तो टूट जाएगा डिमोल्ट करते करते। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, मॉइस्ट और स्पॉन्जी बना है। और इस केक को कट करके भी आपको दिखाऊंगी कि इसका जो अंदर का टेक्सचर है वो कैसा आया है। मैंने 3 layer में कट किया है, आप चाहो तो यहाँ पर 2 layer या फिर 4 layer में भी कट कर सकते हो। और इस केक का जो डेकोरेशन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, और डेकोरेशन बहुत ही मस्त है, आप जरूर देखना। और मुझे पता भी नहीं है कि ये वीडियो पहले जाएगा या फिर वो वीडियो, तो जो भी हो डेकोरेशन को मिस मत करना। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियोज में कुछ नए रेसिपीज के साथ।